आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 1 से 15। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यों कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इसराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो की सी कर दूंगा, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा।